हाई माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गए चैनल के ऊपर और आज है कैंडल वैक्स रीडिंग तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कल रात को आपके पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा है ठीक है तो आज हम कैंडल uh, की हेल्प से तो करेंगे जो करेंगे ही और मैं आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस भी निकालूंगी फॉर योर फ्रॉम योर पर्सन ओके फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक दिखाती हूँ आप लोगों को दिस इज द ब्यूटिफुल डेक ठीक है जिसमें से हम uh, आपके पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मन में आप अपने लिए पॉजिटिव प्रेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को सुनने से पहले सो so, लेटमी ओके तो आई थिंक आप लोगों को दिख रही है कैंडल और चलिए स्टार्ट करते हैं हम्म ठीक है आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है अभी एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कि मुझे जल्द से जल्द बात करने की ज़रूरत है गाइस hmm. uh, आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं है अभी हाल फिलहाल और ये पर्सन अभी हाल फिलहाल ये सोच रहे हैं कि आ, किस तरीके से जल्द से जल्द वो आपके साथ कांटेक्ट बना सकें क्योंकि अभी इनको ऐसा लगता है कि अगर अब कांटेक्ट नहीं बनाया तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे इनके दिमाग में ये बहुत ज्यादा दिन से चल रहा है और इन्होंने ना कुछ स्टेप्स लिए हैं या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में पेरेंट्स नहीं मान रहे हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन सही नहीं चल रही हो तो वो सिचुएशन सही होने वाली हैं और सब कुछ सही होने वाला है सब कुछ मतलब मानने वाला है सब कुछ ठीक है जैसे कि आ, कहते हैं ना कि मेरेकल्स होते हैं तो उस तरीके से होने वाले हैं हो सकता है कि आप यहाँ पे ओम बन रहा है अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ठीक है यहाँ पे ओम बन रहा है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी हो सकता है कि आप आ, ओम चैंटिंग करते हो या फिर गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हो या फिर किसी भी तरीके से आप स्पिरिचुअल और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो या फिर आप भोलेनाथ के भक्त हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है या फिर आप बापा के भक्त हो तो थोड़े से आप रिलीजियस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हो और इसीलिए आपके पर्सन लेट मी चेक कल रात को क्या सोच रहे थे तो ये तो थोड़े से मैंने सिचुएशन आपको बताई है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि अभी हाल फिलहाल इनके घर में किसी तरीके का या तो कोई फंक्शन हुआ है या फिर इनके फ्रेंड्स में किसी का कोई रोका या शादी वगैरह कुछ हुई है और अभी हाल फिलहाल इनके दिमाग में ये थॉट आया है कि यार मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं इस, इस तरीके से क्यों अपनी लाइफ को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्यों अपनी लाइफ को इस तरीके से खराब कर रहा हूं ठीक है कल रात को बहुत ज्यादा हैवी एनर्जीज थी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को भी है, हैवी एनर्जीज बहुत ज्यादा फील हो रही हो आपको भी ऐसी फीलिंग आती हो कि नहीं कुछ तो चल रहा है कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है ठीक है हाल फिलहाल इस पर्सन के दिमाग में और क्या थाट्स है मैं आपको बता देती हूँ ये इंसान ऐसा सोच रहा है अपनी पुरानी गलतियों के बारे में माफी मांगना चाहता है आपसे और जब इन्होंने वो जब सरकम ट्रांसेस देखे ना जहां पर इनके फ्रेंड का या इनके फैमिली में किसी का रोका वगैरह हो रहा था तो इनको बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस हुआ इनको ये महसूस हुआ कि यार

इन्होंने जो भी बुरी काम की है ना लाइक पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ बुरा किया है उसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे कल रात को बहुत मिक्स फीलिंग चल रही थी इनकी एक पल इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया और एक पल इनको अभी एक तरीके की आस है कि नई चीजें सेटल हो जाएंगी इनके दिमाग में बहुत सारे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर के एक्चुअली में देखा जाए तो उस बंदे का रो रो के बुरा हाल है ठीक है मैं कुछ यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ बाइस ताकि हमें और क्लियर हो सके क्योंकि मुझे कैंडल वैक्स से तो इंट्यूशन इतने ही आ रहे हैं सी सेवन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ये इंसान एक तरीके की दोहरी जिंदगी जी रहा है दोहरी इंसेंस जहां जहाँ पर अंदर तो कुछ है और बाहर कुछ है इस तरीके की जिंदगी जी रहा है फिर है हमारे पास यहाँ पे थ्री ऑफ सी थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है इस बंदे का दिल ना बहुत गंदे तरीके से दुखा हुआ है बहुत ज्यादा गंदे तरीके से दुखा हुआ है इतना गंदा ना कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए और मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है जैसे कि एक इंसान होता है ना उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है तो इस इंसान को ना वो चीजें नहीं मिल रही हैं एंड सिक्स ऑफ सोच का कार्ड है यहाँ पे तो फाइनली इन्होंने अब एक डिसीजन ले लिया है और वो डिसीजन यही है कि ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं सिक्स ऑफ सोच का कार्ड है हो सकता है आप लोग है ना थोड़ा सा दूर रहते हो एक दूसरे से ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों दूर रहते हो एक दूसरे से या सिटी पार रहते हो या फिर स्टेट आप दोनों का डिफरेंट हो कुछ लोगों के लिए कंट्रीज भी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रनिंग वाटर है तो मैं बोलूंगी कि ये इंसान चाहे जैसे भी हर्डल से चाहे जैसी भी सिचुएशन है ये आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं इन्होंने कल रात को ये प्लान बनाया है लेटे लेटे या सोचते सोचते कि ये फटाफट से ना कुछ ना कुछ करके आपके पास आने की कोशिश करें कई लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों में से किसी का कोई बर्थडे वगैरह आने वाला हो या कोई बर्थडे आ रहा हो तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से मैसेज वगैरह करें या आपको कोई गिफ्ट दें या आपके बारे में कुछ सोचें ठीक है सो so, ये कार्ड पहले भी आया था मैंने रख दिया था बट अभी वापस आया तो मैं ले रही हूं दैट आई एम सो स्टक विथ माई कार्मिक्स प्लीज अंडरस्टैंड मी तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया जो कुछ भी बुरा किया ना तो वो ऐसे ही नहीं किया एक्चुअली में ये स्टक है अपने कार्मिक्स के साथ इसलिए तो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज आप समझने की कोशिश करें फिर आई स्टॉक यू थ्रू माई फ्रेंड्स इन सोशल मीडिया तो ये आपको स्टॉक करते रहते हैं आपके फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के थ्रू आई पुट योर पिक्चर अंडर माई पिलो एट नाइट विच गिव मी फीलिंग ऑफ योर प्रेजेंस इन माई लाइफ माई गुडनेस तो ये आपकी फोटो वगैरह अपने पिलो के नीचे रख के सो जाते हैं ठीक है फिर हमारे पास माई डे आई स्पेंड विद यू द बेस्ट एंड प्रीशियस डे ऑफ माई लाइफ तो इनके सबसे खूबसूरत दिन थे वो जब ये पर्सन आपके साथ हुआ करते थे इस तरीके की फीलिंग्स इनकी चल रही है सो राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप फॉर यू गाइस और ये सोच रहे हैं कि आपके लिए कोई स्टेप ले कुछ अच्छा ट्राई करे क्योंकि कल रात को इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग ओके ये आ रहे हैं आपके पास तो ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट्स ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करें मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें एंड इंस्टा पे फॉलो करना ना भूलें बाय